गाइस मैं हूं तस्खीर, मैं हूं अनस, मैं हूं नौमान और हम रिएक्ट कर रहे हैं डकी भाई की लेटेस्ट वीडियो मोस्ट नॉनसेंस डेयरिंग शो ऑफ पाकिस्तान आमिर लियाकत बोर हाउस चैंपियंस। तो ये किसी शो की खिंचाई करने वाले हैं, आमिर लियाकत का शो है। किसका रोस्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे इनके रोस्ट को। नया वीडियो है इनका लेटेस्ट और आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ। और नए अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर जो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। तो यार काफी दिनों से मैं अपने मेन चैनल से गायब सा हो गया है। पता नहीं यार, बस दिल नहीं कर रहा, सबकी मार मार के थक गया था। अब मैं भी इंसान हूं यार, जॉनी सिंस थोड़ी हूं जो हर दूसरे दिन किसी नए बंदे की बूट मार के बैठ जाऊं। टैंकी खाली हो जाती है यार, समझा करो। खैर आपका भाई वेला नहीं बैठा हुआ था, गेमिंग चैनल पे ट्वी मरवा रहा है। साथ कुछ व्लॉग श्लॉग भी बनाए हैं जो अभी इस वीडियो के बाद फेंकूंगा। लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, महीना डेढ़ महीना छुट्टियां कर ली, मार्केट पे पैणयकी पे पैणयकी आ गई है। कलांजुंगा मोड फक हो गया है, हरीम शाह का बुल्लर फक हो गया है, और अब ये खैर आज हम लोग जिस शो की बात करने जा रहे हैं उसको पहले बिटकॉइन के अबू वकार जक्का चलाया करता था। तो फिर वकार भाई ने कहा कि मैं बोल टीवी नेटवर्क पे अपनी मजीद जलालत नहीं करवा सकता, तो मुझे इस शो की होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। तो अब इस शो को होस्ट करने आ चुका है वकार जक्का का छोटा भाई पैणयक्का। तो इस शो का कॉन्सेप्ट ये है कि इंतहाई वेली तरीन चवल आवाम एक घर में एक महीने के लिए रहती है ताकि ये लोग फेमस हो सके। बॉलीवुड से इनको ऑफर आए, इलोन मस्क इनको अपने थुक वाले रॉकेट में बैठा के चांद की सैर करवाए। अब अगर इधर कोई आमिर भाई का बहुत बड़ा फैन बैठा हुआ है जो आमिर भाई को अपना अब्बू बना के बैठा हुआ है, मैं तो दुआ करता हूँ काजा मेरे वालिद होते, वो आके मुझे ये ना कहे कि भाई हमें डैडी को रोस्ट ना करो। तो वो ज्यादा चाऊ चाऊ ना करे क्योंकि खुद तुम्हारा डैडी आके कह रहा है इसी की मैं चाहता हूँ लोग मेरी ले। तो ठीक है भाई, इनकी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। हम लोग सीधा कंटेस्टेंट नंबर वन पे। हाँ भाई मुंह लगवा लो इनसे, बस काम धंधा नहीं करना, कहना ही कम देर। अच्छा मैं टेलीकिनेसिस इफेक्ट परफॉर्म करने लगा हूँ यहाँ पे, मैजिक से डिफरेंट है ये थोड़ा। वो क्या होता है टेली, वो समझा दो। समझाता हूँ, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बिना हाथ लगाए अपने माइंड पावर से एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी देर के लिए लाइट वेट को मूव करना। अच्छा, इट्स कॉल्ड टेलीकिनेसिस। हाथ हो कहाँ से ले लूँ थोड़ा सा? क्या था ये? अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई बहुत ही कमाल का मैजिक होने जा रहा है, लेकिन जैसा कि हमारे पीर साहब ने आज से 2 साल पहले बोला था कि कुछ भी दिखाया जा सकता है। तो आगे होता ये कि छित्तर मुर्ग जैसी बला जो इस मुल्क में टैलेंट ढूंढ रही है उसको एक फिट दूर परा धागा नजर नहीं आया। प्रोडक्शन टीम जो दूसरे कमरे में बैठी हुई है वो आता है और आमिर भाई को कहता है कि हमारा फुद्दू लग चुका है। अब आमिर भाई की फट जाती है और वो उस कंटेस्टेंट की बिस्ती मारने के लिए उसको दोबारा बुला लेते हैं। अब्दुल अखर साहब जी, आप जादू करते हैं, जो जो आप जादू करते हैं उसमें से जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो वो जरा करिए। वो करके देखो, एक करेंसी बिल चाहिए होगा। रोडीज की तरह शो है, नोट चाहिए जी? इंडिया में जो रोडीज नोट दो भाई, कोई कोई भी 10 20 50 सब टू 10 20 50 बस कोई सर 100 नहीं तो भी हो सकता, 1000 5000 छोटा हो तो ज्यादा बेटर है। अच्छा क्यों छोटा क्यों? उसको बड़ा करने का काम मुझे करना है। ये सेम डायलॉग हम लोग दोबारा से प्ले करेंगे, लेकिन इस बार तुम लोग आंखें बंद करके सुनना। छोटा हो तो ज्यादा बेटर है। अच्छा क्यों छोटे क्यों? उसको बड़ा करने का काम मुझे करना है। छोटे को बड़ा कर सकता है, चलो ये बंदा कुछ करे ना करे मेरे काम जरूर आ सकते हैं। 50 से 100 हो जाए तो आप यार हमसे इनाम लेने क्यों आए? खुद करते रहे काम, बार बार नहीं हो सकता ना, मैजिक है ऐसी करता। मैजिक बार बार नहीं होता? नहीं मैजिक मैजिक तो बार बार होता है भाई। मैजिक बार बार हो सकता है, अपने फायदे के लिए नहीं कर सकता, वरना मुझे कमाने की जरूरत बाकी रहती। 50 रुपए को 100 रुपए करना, मैं जिस वे कपड़े फाड़ देंगे लोग आपके, अगर आपने नहीं किया। मैं जिस वे में करूंगा इंशाल्लाह। वो वही क्या है? मैजिक वे से करूंगा। जिसमें मतलब आपको जादू आता है जी? अब जादू आता है और आपने 100 रुपए कर लिए जी, तो आप अपने लिए करें ना, दूसरों को क्यों कर रहे हैं? शो के लिए कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए। मैजिक शोज जैसे होते हैं वो अलग चीज़, रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में होता, रियलिटी पक्की बात, हाथ की सफाई है। मैं कैमरे के सामने गया हूँ, रियलिटी नहीं होती, स्लाइड ऑफ हैंड पे डिपेंड करता है सबको। आप लोग आपको थोड़ा सा हैरान करना चाह रहा था। हैरान मैं भी हो रहा हूँ, मैं उस वक्त परेशान था। ओ परेशान नहीं, तेरा फुद्दू लग गया है, एक धागा तुझे नजर नहीं आया। अब उस बेचारे ने बोल दिया है कि मैजिक वैजिक हकीकत में कुछ नहीं होता, सारी हाथ की सफाई होती है, तो ठीक है ना। अब तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेरी शलवार के अंदर वो घुसे और तेरे छोटे से मजाक को बड़ा कर दे? वैसे करने को तो कर सकता है, छोटा हो तो ज्यादा बेटर है। उसको बड़ा करने का काम मुझे करना है। मैं आपको ये समझा कि आप बड़े जबरदस्त आदमी, एंटरटेन कर रहा था मैजिक से नहीं, एंटरटेनमेंट तो नहीं हुई। एक ऐसा इंसान जो टैलेंट तलाश करता है पाकिस्तान में, उसे आपने क्या बनाया? आप क्या आपको मैंने? खैर भाई साहब इधर से जलील होके चले जाते हैं और अब बारी आती है हमारे मेरा मतलब कंटेस्टेंट नंबर 2 की। मुनज़्ज़ा खान है,
जी। ये क्या किया आपने? MBCS? हाँ तो MBCS किया है ना मैंने। ये क्या होता है? डिग्री है। ये बताइए मुझे कि IQ कैसा है? क्या IQ? इसलिए आई उसी आई हूँ चैंपियन में आई हूँ। IQ IQ वाह 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 तालियां आपके। अब तुम लोग ही बताओ इस बात पे मैं क्या कहूँ। अक्लमंद बंदा वैसे ही खामोश हो जाएगा इनके यहाँ पे देख के। दोनों एक जैसे बहन भाई बैठे हैं, साथ में बैठ के कॉमेडी कर रहे हैं। बंदा किसी चवल पे जुगत मारता है, रिप्लाई करता है ऐसे ही खच्चों पे, बंदा अफसोस ही कर सकता है भाई। अच्छा है मैं अंधा हूँ। आमिर लियाकत हुसैन को जानती हैं आप? जी। हाँ कौन है वो? सामने बैठे हुए मेरे। क्या करते हो? सबकी लेते हैं वो ऑडिशन। सबकी लेते हैं? काश सबकी लेते हो। काश सबकी लेते होते। हर उल्टा तीर भी तूने ही लिया है, उंगल भी तूने ही लिया है, बोल हाउस की चेयर पे बैठ के कंटेस्टेंट के मजे भी तू ही ले रहा है, और क्या चाहिए? सबकी लेते होते, मेरा ले लो आके पैंच। आमिर भाई ने किसी बंदे को छोड़ा ही नहीं, हर उल्टा तीर, हर फजूल का पंगा, पुराने प्लास्टिक के चप्पल, टीन डब्बे सब लेते हैं आमिर भाई। अब इस 10 किलो मेकअप की क्लिप पे मैं ज्यादा नहीं वाली बातें होती रहेंगी बस। बिलावल भुट्टो। और बिलावल की वालिद का नाम क्या? नवाज शरीफ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दिमाग की मुड कर दी यार अगलों ने। आगे चलो। मैं आगे हिला के रखूँ बस, ना कोई मेरे जोड़ का ना मैं किसी का जोड़ का। क्या करेगा तू? मैं आगे हिला के रखूँ बस। अपनी उम्र देख जाके कोई काम धंधा कर, इतने तू हिलाना है? और ये रैप सॉन्ग की लाइनें उठा के क्या समझ रहा है भाई? ना कोई मेरे जोड़ का ना मैं किसी का जोड़ का। बड़ी हैवी पंच लाइनें मारी है भाई तूने। ना कोई मेरे जोड़ का ना मैं किसी के जोड़ का। काके तेरे जोड़ का तो कोई है ही नहीं, अपने खानदान का सबसे हिम्मत वाला बंदा है तू। घर का गटर बंद हो जाए तो सबसे गहरे गटर में तू ही उतरता है। एक ये रैप सिंगरों ने वखरा, हर दूसरा बंदा बदमाश बनाया हुआ यार। आमिर भाई को मजा आता है बनने का। कभी ये एंकर बन जाते हैं, कभी ये पॉलिटिशियन बन जाते हैं, कभी ये लोगों के पंचिंग बैग बन जाते हैं, कभी मीमर्स के सामने मजलूम हो जाते हैं, कभी जॉनी सिंस बन जाते हैं, कभी जैनी मरीज बन जाते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, एक जमाने में अपने गांव में नाई भी था, यकीन नहीं आ रहा तो देख लो खुद ही। अब आपको हमने आधा सेलेक्ट किया है। कितना? ट्रिमर लाइन गंजा करेंगे हम। अरे गंजा करे, गंजा करके पूरा सेलेक्ट। सारी बातें छोड़ो, ये बाल कटवाना डेर कैसे हो गया? किस जगह लिखा हुआ है कि बाल कटवाना हिम्मत वाले काम में आता है? इस हिसाब से तो फिर वकार का सबसे बड़ा डेरिंग शो लाइव करके आया है रोडों पे। खैर सिर्फ इतना ही नहीं था, मजीद कच्चों की तरफ चलते हैं सीधा। गाना लगा भाई। आसमान लगने लगा हाईवे मेरे यार। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार हमने तो बोल टीवी नेटवर्क पे चैंपियंस का शो लगाया था जहाँ पे डेर होंगे, सांप मोड़ियों में डाल के मुंह से निकाला जाएगा, लेकिन इधर तो डांस पार्टी शुरू हो गई है यार। ये हम लोग ठीक शो पे आए ना? शो यही है ना, बोल टीवी नेटवर्क चैंपियंस? जी। नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा दोनों डांस किया है, जाना चाहिए। और बोल हाउस में किया है? पक्का। अच्छा भाई डेर आपका था, लेकिन अब आपने इतना अच्छा डांस किया दोनों ने, जरूरी नहीं कि हर एक का डेर देख कर ही फैसला किया जाए, किसी के कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर भी उसे सिलेक्ट किया जा सकता है। अब मैं या तुम जाके इधर अपनी डुई हिलाते ना तो इसने एल भी नहीं कराना था, लेकिन क्योंकि गर्ल्स का डांस हो रहा है तो वर्गिया गेम शो, वर्गिया चैलेंजेस। आमिर भाई ने क्राइटेरिया भी बदल दिया बच्चियों के आने के बाद। उधर किसी ने सांप अपने अंदर लेके मुंह से निकाला होता उसको दो जुगते मार के फारिग कर देते, सिलेक्ट भी ना करते, लेकिन इधर बच्चियों ने मुजरा किया है तो उनको बोल हाउस में अपनी झोली में बैठा लो। ठड़की बुड्ढे पानी जेर से निकलता नहीं है अपने अंदर से, और तू बोल हाउस के अंदर बच्चियां भर रहे। और ये आमिर भाई का दिमाग पता नहीं कैसे काम करते हैं, इसको ये सब एंटरटेनिंग लग रहा है, लेकिन जब मीमर्स अपना पूरा दिन जाया करके एक फनी सी मीम बना दें, उस वक्त इसके अंदर का मुल्ला जा गया था। जो मीम्स बना रहे हैं बनाइए, अच्छा लगता है मुझको। चलो आप खुश तो हो रहते हो, आपका धंधा तो चल जाता है, धंधा चला रहे हो ना अपना, धंधा चलाओ, मीम्स बनाओ, धंधा चलाओ, चार पैसे घर में लेके जाओ, माँ को खिलाओ, रोटी खिलाओ माँ को, और बताओ माँ को कि माँ ये हराम काम करके पैसे लाया हूं। हराम कमा रहे हो पैसे, तो अगले कौन से इलोन मस्क बन गए तेरे पे मीम बना के? तुझे कोई खाली लानत ना दे, अगले इतनी अटेंशन देते हैं तुझे, वो थोड़ा है पूरे शो का ना सर ना पैर, पता नहीं कौन सिलेक्ट हो जाता है, किसको जलील करते हैं कुछ अता पता नहीं। अभी कुछ महीनों में रमजान आ रहा है, तुम लोगों को इससे बड़ा नेक आदमी नहीं मिलना। फिलहाल ये बच्चियां नचवा रहे हैं और उसको एंटरटेनमेंट भी कह रहे हैं। अभी रमजान आने वाला है, उस दौरान देखना इसे नातों की पूरी एल्बम निकाल देनी है। अजीब वेला बंदा यार। अब मुझे किसी से मसला नहीं है, ना मेरा कोई पर्सनल फड्डा चल रहा है इनसे, बस ये मुझे कोई चवल लगी तो भाई मैंने बना दी वीडियो, और वैसे भी बड़ा टाइम हो गया था यार इनएक्टिव बैठे हुए
रहे थे मेन चैनल पे, तो कोई तो बंदा ढूंढना था ना जलील करने के लिए, समझा करो। और पैसे पूसे भी तो कमाने होते हैं ना, दो महीने वीडियो नहीं डाली, कंगला हो गया हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। राइट, तो ये था वीडियो मोस्ट नॉनसेंस डेयरिंग शो ऑफ पाकिस्तान। और वाकई में यार कुछ नॉनसेंस लगे मुझे इसमें, जैसे कि वो लड़की का कुछ अजीब ही हरकतें करना और वो लड़के का धागा बांधकर चेंज कर देना उसे। तो मेनली इसमें जो रोज था वो आमिर लियाकत का था, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी सड़क पर रोड पर नीचे लौटते हुए नजर आते हैं, कभी पिटते हुए नजर आते हैं। तो डकी भाई ने उनकी खिंचाई कर डाली थी और जबरदस्त रोस्ट किया था, मजा आया इनका शो। मतलब बकवास तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ अजीब ही लग रहा था। कंटेस्टेंट्स ऐसे आते हैं यहाँ इंडिया के शो में भी आते हैं कभी कभी, अजीब उनको मतलब एंटरटेनमेंट के लिए रख लिया जाता है। तो वैसे ही कुछ कंटेस्टेंट्स आए होंगे, तो इनकी दो किले पनपर के कभी मौलाना बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी फतवे जारी करते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर इन्हें रोस्ट किया गया है। तो मज़ेदार रोस्ट था एंड अमेजिंग था कि उनकी खिंचाई कैसे होती है, उनसे काम करना किस तरीके से नहीं आता है। जो उनकी पोल खुल जाती है सोशल मीडिया पर या फिर टीवी पर आमिर लियाकत की, तो उस चीज़ को पकड़ते हुए रोस्ट किया था, ज़बरदस्त था। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो आपको। अगर पसंद आया तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।